हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सन की सीरियल किलर के बारे में जिसने 1960 में पूरे भारतवर्ष और मुंबई महाराष्ट्र को दहशत में डाल दिया था, और उस सीरियल किलर का नाम है रमन राघव। रमन राघव के ऊपर बेस्ड एक मूवी भी रिलीज हुई थी 2016 में। उसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि अन्ना, थम्बी, सिंधी, तलवाई, और लोग उसको अलग अलग नामों से इसलिए जानते हैं क्योंकि वो जिस भी जगह जाता था सबको अपना अलग अलग नाम ही बताता था, किसी को भी अपना रियल नेम वो डिस्क्लोज नहीं करता था। 1929 तिनेवली मद्रास में उसका जन्म हुआ था, और उसके जानकार ये भी बताते हैं कि रमन राघव को बचपन से ही चोरी करने की आदत पड़ चुकी थी, जिससे उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। काम के सिलसिले में रमन राघव मुंबई महाराष्ट्र आता है, लेकिन वहाँ आकर वो काम नहीं करता, चोरी चकारी करता है और हीनियस क्राइम्स को अंजाम देता है। इन सभी अपराधों को करने से पहले ये भी बताया जाता है कि उसने अपनी रियल सिस्टर का भी रेप किया था और उसको भी मारने की कोशिश की थी। 1965 से 1968 तक रमन राघव ने इन सभी घटनाओं को अंजाम दिया था, और वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाता था जो कि स्लम में रहते थे या फुटपाथ में सो रहे होते थे, और वो रात के टाइम ही इन क्राइम्स को अंजाम देता था। वो रात को अपने लोहे की रॉड के साथ बाहर निकलता था, और जो लोग फुटपाथ में सो रहे होते थे या अपने स्लम में अंदर सो रहे होते थे, तो वो अंदर जाकर के अपने लोहे की रॉड से उनके ऊपर वार करता था, और जब उनकी डेथ हो जाती थी तो जो भी छोटा मोटा सामान होता था या पैसे होते थे उनको लेकर के वो वहाँ से भाग जाता था। इस तरीके के जो क्राइम्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए थे, तो पुलिस भी इस केस के पीछे पड़ गई थी कि ये सारी चीज़ें कर कौन रहा है, लेकिन लेस एविडेंस होने के कारण उनको पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली इन मर्डर्स के पीछे किसका हाथ है। तभी 1966 में रमन राघव एक साथ 19 लोगों के ऊपर अटैक करता है, जिसमें से कि 9 लोगों की डेथ वहीं पे ही हो जाती है, और 10 लोग जो होते हैं वो सीरियस तरीके से घायल होते हैं। तो उनमें से एक लेडी जो होती है वो पुलिस को उस किलर का पूरा हुलिया बताती है, एंड पुलिस एक स्केच भी तैयार करवाती है, लेकिन लेस एविडेंस होने के कारण पुलिस इस केस को सुलझा नहीं पाती है। तभी रामानंद कुलकर्णी, जो कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सीआईडी से थे, वो एक मैनहंट रखते हैं इस किलर को पकड़ने के लिए, एंड उनका जो ये ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। वो क्या करते हैं कि सभी लोगों जितने भी लोगों को वो लोग पकड़ते हैं उसमें से रमन राघव के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो जो लोहे की रॉड होती है उससे मैच हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद भी जब वो रमन राघव के साथ इंटरोगेशन रखते हैं, वो पुलिस को सीधा सीधा कोई भी जवाब नहीं देता है। इससे थक हार कर पुलिस क्या करती है, उससे प्यार से पूछती है कि तुझे कुछ चाहिए तो बता, एंड रमन राघव पुलिस को बोलता है कि मुझे चिकन खिला दो, उसके बाद मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। पुलिस उसके लिए 2 बार चिकन मंगवाती है। चिकन खाने के बाद वो बैठता है और पुलिस को बताता है कि अब पूछो क्या पूछना है। पुलिस उससे पूछती है तो वो पहले तो ये दिखाता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने कितना क्या कितने क्राइम्स किए हैं या कितने भी मैंने मर्डर किया, वो कुछ 22-23 बताता है। लेकिन 1-2 दिन बाद जब पुलिस फिर से उससे पूछती है तो बताता है कि इन 3 सालों में उसने टोटल 41 मर्डर्स किए हैं। इसके बाद पुलिस उसके ऊपर केस चलाती है, उसकी हियरिंग होती है, कोर्ट में उसको लेके जाते हैं, एंड जो जज होते हैं वो उसके फेवर में भी एक वकील खड़ा करते हैं। वकील बताते हैं कि रमन राघव ने ये सारे जो क्राइम्स है उसको इसलिए अंजाम दिया था क्योंकि वो मेंटली इल है, उसकी मेंटल स्थिति जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसको नहीं पता चलता है कि ये सब चीज़ें क्यों होता है। तो उसकी मेंटली स्थिति को देखते हुए जो कोर्ट में जज होते हैं वो उसको डेथ सेंटेंस नहीं देते हैं, उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हैं। 1995 में किडनी फेलियर की बीमारी से उसकी येरवाडा सेंट्रल जेल में ही डेथ हो जाती है। आपको क्या लगता है कि जो भी ये सीरियल किलर्स होते हैं जो बोलते हैं कि मेंटली इल हैं, इन्हें पता नहीं चलता कि ये सारे क्राइम्स ही क्यों करें, लेकिन इन चीज़ों को छुपाने के लिए इनके पास दिमाग कहाँ से आ जाता है? एंड इसी तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।